जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बहुत दिन के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पास में टाइम भी नहीं है आप लोग के पास में वीडियो बनाने के लिए। आज बहुत दिन के बाद मौका मिला है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको गौर से समझिए। जो भी हमारा हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो नौकरी कर रहा है उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ को मत भूलिए। आज का मेरा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक हॉस्पिटल के अंदर पे हम लोग सेफ्टी कैसा लेना है प्रिकॉशन, और सिक्योरिटी जो गार्ड है किस तरीके से ड्यूटी करना है, तो इसके बारे में क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है और समझना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल में नौकरी करना है ये चीज़ समझेगा तभी जाके आप बहुत अच्छी तरह से नौकरी कर सकते हो। तो इसलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या है, एक हॉस्पिटल में क्या है इंटरनल सिक्योरिटी रहता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी रहता है। इंटरनल मतलब जो अंदर का जो सिक्योरिटी जो वार्ड के अंदर पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो सिक्योरिटी जो है कैसे करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे कंट्रोल करता है, कहाँ कहाँ पे ड्यूटी लगा जाता है और उसको किस तरीके से किया जाता है, तो आज ये टॉपिक जो है मोटा मोटा मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसान होगा। और दूसरा मेरा जो भाग है उसमें आपको अच्छी तरह से एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। तो दूसरा है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल मतलब जो हॉस्पिटल उसके बाहर में, हॉस्पिटल के बाहर में क्या क्या ड्यूटी है, तो इन दोनों का ड्यूटी के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के मतलब क्या है, तो इसके विषय में हम आज जानकारी लेते हैं। सबसे पहले क्या है पर्सन कंट्रोल, एक नंबर पे है पर्सन कंट्रोल। पर्सन कंट्रोल का मतलब क्या है, पर्सन देखो व्यक्ति, हॉस्पिटल में क्या है एक व्यक्ति कौन कौन हो सकता है, पेशेंट वो भी एक व्यक्ति है, उसके साथ में जो अटेंडर आता है वो भी एक व्यक्ति है, जो वहाँ पे जो स्टाफ है वो भी एक व्यक्ति है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है बहुत सारा विजिटर भी आता है वो भी एक व्यक्ति है, बहुत सारा व्यक्ति है, तो इसलिए क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पर्सन कंट्रोल का मतलब व्यक्ति नियंत्रण करना, व्यक्ति को कैसा नियंत्रण करना, एक विजिटर है उसको किस तरीके से नियंत्रण करना है। एक विजिटर जो है अलग अलग हाई प्रोफाइल का हो सकता है, मीडियम प्रोफाइल का हो सकता है, दूसरा लो प्रोफाइल का भी हो सकता है। ये सब प्रोफाइल जो है आपने इसको कंट्रोल में रखना है, और जो अटेंडर है उसको भी कंट्रोल रखना है। उसमें भी दो प्रकार के है, हमारा जो स्टाफ में भी, स्टाफ में दो प्रकार का है। क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, एक तो परमानेंट स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ जो रहता है हॉस्पिटल का, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्प्लॉय है, डॉक्टर है, जो स्टाफ में आपका नर्स भी है, जो फोर ग्रेड का है, ये लोग सब क्या है परमानेंट स्टाफ है। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का मतलब कौन है, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो ड्यूटी कर रहा है वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। फिर उसके बाद में आपका हाउस कीपिंग हो गया, इस तरीके का जो भी हॉस्पिटल के अंदर पे जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है वो है, तो इनको किस तरीके से नियंत्रण पे लाना है, तो ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है क्राउड कंट्रोल। क्राउड कंट्रोल क्या है, क्राउड कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है आपकी हॉस्पिटल के अंदर पे, अलग अलग जगह पे क्राउड कंट्रोल होते हैं। किसी का पेशेंट डेड हो गया या किसी का कोई रीज़न के वजह से डेड हुआ या डॉक्टर को ब्लेम कर देता है, इस तरीके के आदमी भी बहुत ज़्यादा आता है। और वहाँ पे कोई डेड होता है तो क्या है इतना हल्ला गुल्ला करता है, तो दूसरा पेशेंट भी है उनको भी देखभाल करना है, तो इसीलिए क्या है ये सब क्राउड कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं मॉब कंट्रोल। मॉब कंट्रोल का मतलब क्या है, मॉब मतलब कि भीड़, भीड़ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे,
जैसे कुछ ऐसा जब क्राउड होता है तो भीड़ भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत इंसान आ जाता है, बहुत पर्सन आ जाता है वहां पे। क्या है, एक की बात को सुन के दूसरा भी बात के सुन के फिर उसके बाद आ जाता है आपके हॉस्पिटल के जहाँ पे मतलब कि वार्ड है उसके सामने आ जाएगा। ज़्यादातर आपको कैजुअलिटी एरिया पे, एमरजेंसी एरिया पे, उस जगह पे ज़्यादा मिलेगा। तो उस जगह पे आपने क्या करना है, भीड़ को कम करना है। तो उसके लिए भी सीखना बहुत ज़रूरी है। चौथा है फ्रिस्किंग कंट्रोल। फ्रिस्किंग जो आपकी हॉस्पिटल के अंदर पे नशीली चीज क्या क्या है, तामूल, पान, सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीज जो है, ड्रग्स, दारू, ये सब चीज जो है कंट्रोल करना है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एरिया में ये सब चीज जो अलाउ नहीं है। आपकी जो हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट में जो है वहां से ही आपने फ्रिस्किंग करना है, वहां से ही सब चीज क्लियर करना है। ठीक है, कोई मतलब कि दाव लेके आ सकता है, तलवार लेके आ सकता है, कैंची लेके आ सकता है, कटारी जो तामूल काटने वाला लेके आ सकता है, ये सिर्फ अलाउ बिल्कुल नहीं करना है, बंदूक अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा अनवांटेड चीज जो है बिल्कुल अलाउ मत कीजिए। और ये जो पान खा के कहीं कहीं के फेंक देगा और थूक देगा, वहां पे क्या होता है, आपकी हॉस्पिटल को गंदगी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज जो है आपकी हॉस्पिटल में आग लग सकता है कहीं पे फेंक के। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी ख्याल जरूर रखना है। सीसीटीवी कंट्रोल। सीसीटीवी कैमरा जो है, आपके पास में कितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उसका पूरा काउंटिंग होना चाहिए। डेली उसको चेक करना है, मेरा सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे खराब हो रहा है, कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे मुड़ा हुआ है, कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो है लगना चाहिए, जहाँ पे इंसिडेंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर लगना चाहिए। ये सब चीज़ जो है प्रॉपर पता होना चाहिए, जो सीसीटीवी कैमरा जो कंट्रोल कर रहा है। ये सब हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमरजेंसी और कैजुअलिटी, अभी अभी मैंने बताया एमरजेंसी और कैजुअलिटी। एमरजेंसी कैजुअलिटी में क्या होता है, बहुत ज़रा हादसे होता है डेली, बहुत अलग अलग सी कैसे आएंगे, हल्ला गुल्ला, ये क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ का कंट्रोल करना है। पेशेंट के साथ में क्या है, 4, 5, 10 आदमी जो जा रहा है उनको कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ जो है प्रोसेस आना चाहिए। इनके लिए भी मैं दूसरा एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक एक पार्ट का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। आईसीयू और ओपीडी। आईसीयू में जहाँ पे प्रोटोकॉल दिया हुआ है वहाँ पे बिल्कुल पैर जूता नहीं पहनना है, वहाँ से प्रोटेक्शन, पेशेंट के पास में जब भी मिलने के लिए टाइमिंग रहता है, डॉक्टर का राउंडिंग नहीं होना चाहिए, और पेशेंट दूसरा पेशेंट भी है उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ प्रोटोकॉल जो है इस्तेमाल करनी है। और दूसरा है ओपीडी। ओपीडी का जो भी प्रोटोकॉल दिया रहता है, आप ओपीडी में आ रहे हो, कौन सी ओपीडी में जाना है, कहाँ जाना है, इसका डायरेक्शन भी सिक्योरिटी को देना है। जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनको अपने लाइन से जाने देना है, नंबर से डॉक्टर के जो भी कैबिन में जाएगा नंबर वाइज जाने देना है। वहाँ जो भी पेशेंट है वो पेशेंट जो है प्रॉपरली चेक करना है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है या नॉर्मल कंडीशन में, वो भी वेरीफाई करना सिक्योरिटी का फर्ज है। और ओपीडी में ज़्यादा क्राउड होते हैं, हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, उसको साइलेंस जोन बना के बिल्कुल रखना है। तो मैं थोड़ी थोड़ी जो चीज़ बता रहा हूँ इसको ख्याल रखिए, बाकी और मैं अलग सी इनका अलग अलग टॉपिक में बना के आपको बताऊँगा। वार्ड कंट्रोल। वार्ड, अलग अलग सी वार्ड है आपके पास में, मेडिसिन वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, साइकेट्रिक वार्ड है, चाइल्ड वार्ड है, ये जितने भी वार्ड है अलग अलग सी बीमारी है, ENT है। ठीक है, ये सब चीज़ जो है वार्ड जो है, आई वार्ड है, ये सब वार्ड जो है आपको कंट्रोल करना चाहिए। ENT क्या है, आई वार्ड क्या है, ठीक है, कान, नाक, आँख के लिए, किसी का साइटरिक का प्रॉब्लम है, मेंटलिटी प्रॉब्लम है, ये सब वार्ड जो है कैसे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए भी जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी एक्शन प्लान है, उसी हिसाब से आपने प्रॉपर ड्यूटी करना है, तभी जाके आप एक अच्छा एक्ट गार्ड का ड्यूटी कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए आपकी मेडिकल में, आपकी हॉस्पिटल में क्या क्या, कहाँ कहाँ पे क्या वार्ड है। ठीक है, और हॉस्पिटल का जो है सबसे पहले तो क्या है, इंफॉर्मेशन,
हॉस्पिटल का कहाँ कहाँ पे क्या है, कौन सी वार्ड कहाँ पे है क्या है, हर चीज का नॉलेज होना एक सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल गार्ड एंड स्टाफ। ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल गार्ड एंड स्टाफ, जो भी ट्रेनर आते हैं हॉस्पिटल गार्ड को प्रॉपरली ट्रेनिंग देना चाहिए, बेसिक फायर एंड सेफ्टी के बारे में स्टाफ भी लेके जाना चाहिए। दूसरा डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो, हैंडमेड डिजास्टर हो, ये सब का देना चाहिए ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, तभी जाके स्टाफ हो या सिक्योरिटी गार्ड हो कभी भी आग लगने पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। कोर्ट वर्ड जो है सभी को पता होना चाहिए, कोर्ट रेड क्या है, कोर्ट ग्रे क्या है, कोर्ट ब्लैक क्या है, ये सब चीज़ कोर्ट रेड को भी पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये चीज जो है सभी स्टाफ और हमारे जितना भी सिक्योरिटी गार्ड है जब पता चलेगा तभी जाके आपकी ड्यूटी जो है अव्वल दर्जे का होगा। थीप कंट्रोल, थीप कंट्रोल देखिए आपका इंटरनल में भी बहुत ज़्यादा थीप हो रहा है, मोबाइल चोरी हो जाना, ठीक है, तो मोबाइल चोरी हो जाना, मोबाइल बाहर से भी मोबाइल चोरी करने वाला जो भी आता है उसके जो पेशेंट नहीं है उनको इंक्वायरी करना है, आपका पेशेंट कहाँ पे है, कहाँ पे एडमिट है, आप कहाँ से आए हो, ये सब चीज़ जो है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना उससे, ठीक है। तो और एक बात है, जो पेशेंट है उनके साथ में जो अटेंडेंट जो आया है उनकी जो मोबाइल चोरी कर रहा है, एक दूसरे के साथ में भी मोबाइल चोरी हो सकती है, इसलिए हो सकती है गरीब परिवार से बहुत बिलोंग करता है, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं होगी तो उसमें क्या है पैसा कमी के वजह से एक दूसरे का मोबाइल चोरी कर लेता है, तो ये भी घटना हो सकती है, तो इनके लिए भी क्या है ध्यान रखना है। जब भी आप सिक्योरिटी जो है सोने से पहले या कोई मोबाइल चार्ज कर रहा है तो उसके प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मोबाइल चार्ज कर रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल आपको प्रेजेंट होना है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहोगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे आपका जो है मोबाइल जो है गुम हो सकता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। जब आपकी मोबाइल जो है चार्ज में लगाओगे आप सो जाओगे, इसी तरह से क्या है मोबाइल गुम होता है, ठीक है, तो इनको भी इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले आपका जो जो मोबाइल है आप अपने मोबाइल जो है संभाल के रखना है, ठीक है, तो मनी पर्स है, पर्स वगैरह जो रखे हैं उसको संभाल के रखना है, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग इलाज करने के लिए आता है, इलाज के दौरान क्या है वो बीमारी की तरफ ध्यान देता रहेगा, टेंशन में क्या है उसकी मोबाइल कहाँ रखा है और पर्स कहाँ रखा है उसको पता नहीं चलता है, तो इसी केस का बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये चीज़ जो है रोकना है, ये सिक्योरिटी जो है रोक सकते हैं ये चीज़ जो है, ठीक है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हॉस्पिटल में, सबसे पहले क्या है पार्किंग कंट्रोल, पार्किंग कंट्रोल, पार्किंग आपको कंट्रोल ठीक तरह से नहीं कर पाओगे, डॉक्टर्स जो है इम्पोर्टेंट के दौरान अभी कभी कभी क्या है बहुत सीरियस पेशेंट आ जाता है, डॉक्टर जो है पार्क करने के लिए जगह नहीं होगा तो कहीं उलट पलट करके पार्क कर देगा, फिर उसके बाद में क्या है गाड़ी जाम हो सकता है, तो जो भी पार्किंग जो प्लेस है बिल्कुल प्रॉपर करना है, जहाँ पे नो पार्किंग है तो नो पार्किंग है, जहाँ पे वन वे पार्किंग है तो वन वे पार्किंग है, तो इस चीज़ का जो है फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो भी डॉक्टर हैं इमरजेंसी में जो आते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको रिकवरी करने के लिए, तो डॉक्टर इमिडिएटली आके क्या है कहीं पर भी वो पार्क करके चले जा सकता है, तो इसलिए डॉक्टर आने से पहले क्या है कोई ऐसा रिजर्व पार्किंग भी रखना चाहिए, ताकि डॉक्टर जो है तुरंत उसी रिजर्व पार्किंग में पार्क करके फिर उसके बाद में आपकी जो पेशेंट है उसको तुरंत इलाज कर सके, ये चीज़ सिक्योरिटी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पार्किंग कंट्रोल में ये भी आता है जो भी पार्किंग है वहाँ पे जो रिजर्व पार्किंग है, जनरल पार्किंग है, एक फ्री पार्किंग है, ये पार्किंग तीनों पार्किंग का जो है पहले कभी मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है आप देख लीजिए, जो रिजर्व पार्किंग है जो इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए या मतलब कि आपका जो इम्पोर्टेंट जो आपका सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या प्रिंसिपल है उनके लिए रिजर्व पार्किंग 100% रहते हैं, तो इसको भी ख्याल रखिए। दूसरा जनरल पार्किंग में भी जो डॉक्टर वगैरह जो है उनके लिए भी कैजुअल्टी वगैरह जो है रिजर्व पार्किंग रखना चाहिए, ताकि वहाँ रखने से क्या होता है वो तुरंत आके क्या डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को रिकवरी कर सकते हैं,
तो अचानक क्या है, ये सब चीज जो है हो जाती है। तो गलत जगह पे पार्किंग करने से दूसरे को भी बहुत तकलीफ होती है, तो ये चीज का ख्याल रखें। ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल में क्या है, ट्रैफिक कंट्रोल हॉस्पिटल के अंदर पे आप देखिए, कभी इधर से घुसेगा, कभी इधर से आएगा, कभी वहां से आएगा, लेफ्ट राइट कहीं से भी आ सकता है। तो इसका जो है ट्रैफिक जो है कंट्रोल करने के लिए एक ही है उपाय है, जहां से आपको नो एंट्री है तो नो एंट्री है, जहां से आपको एंट्री करता है तो एंट्री है, वहां से एग्जिट है तो एग्जिट है। और वहां पे क्या है, जो भी मतलब कि ट्रैफिक है उसको प्रॉपरली हैंड लाइट सिग्नल होना चाहिए, उसके पास व्हीसल होना चाहिए, तो आपका जो हैंड डायरेक्शन देना जो है ठीक तरह से आना चाहिए, अननेसेसरी जो है वहाँ पे गाड़ी जो है घुसने नहीं देना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ हॉस्पिटल का नियम कानून अलग से बना रहता है, उनके SOP अलग रहता है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक जो है ये गाड़ी आ सकता है, इतने बजे से लेके ये इतना बजे तक जो है इस रोड में ये गाड़ी घुस सकता है। तो इसका SOP भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हॉस्पिटल का जो है उनका एक्शन प्लान में क्या लिखा है, उनकी SOP में क्या लिखा है, उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन से ड्यूटी करना है। पेट्रोलिंग ड्यूटी, पेट्रोलिंग ड्यूटी हॉस्पिटल में सबसे इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलिंग ड्यूटी देखिए हर चीज़ का देखते हुए जाना है, एक पेट्रोलिंग का बहुत बड़ा एक रोल है एक हॉस्पिटल के अंदर पे। जितना भी हॉस्पिटल है पूरा साउंडरिंग लेना है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, एक्सटर्नल बाहर का जो पेट्रोलिंग है, इंटरनल पेट्रोलिंग है, ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर का जब पेट्रोलिंग करता है शाम का टाइम पे, आपका सिक्योरिटी लाइट जितना भी है जला के नहीं है, कौन सी लाइट नहीं जला है उसका रिपोर्ट आना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका जो जितने भी ये है पार्किंग में जो गाड़ी खड़े हैं उसको देखना है, कहीं ग्लास बंद तो नहीं किया है, शीशा खुला तो नहीं पड़ा है, अंदर कहीं कीमती वाला सामान तो नहीं है, लैपटॉप नहीं है या आपका पर्स वगैरह बाहर में तो नहीं है, इस तरीके का भी देखना बहुत जरूरी है। एक पेट्रोलिंग का बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है। तो अंदर का भी है, अंदर का जो ऑफिस वगैरह जो है बंद प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है, और नहीं किया तो उसको बंद करना है, कोई ऑफिस में लाइट जला के चला गया हो, इस तरीके का जो है केसेस हो सकता है, जहाँ पे इमरजेंसी डोर के सामने बहुत सारा सामान रखे है, कभी इमरजेंसी हो जाए तो हम उससे सामान जो है आदमी जो है वहाँ से निकल नहीं जाए, तो इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। इसको व्हीकल कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल क्या है, व्हीकल कंट्रोल देखिए जो भी व्हीकल्स आता है, एक छोटा सा 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, और उसके बाद में ट्रक है, ये सब चीज़ जो है प्रॉपरली हॉस्पिटल में जब आता है तो इंक्वायरी करना है, आप कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, तो ये सब चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी व्हीकल में क्या लेके आए, व्हीकल को सर्च करना भी बहुत ज़रूरी है, कोई कोई क्या बम भी ला सकता है, कोई ऐसा जिस मे हथियार भी लेके आ सकता है, तो ये सब चीज़ जो है व्हीकल आने से अंदर घुसने से पहले ये सब चीज़ जो है प्रॉपरली सर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो व्हीकल को सर्च करने के लिए तरीका भी पता होना चाहिए। व्हीकल को सबसे पहले क्या, बोनट को खोलिए और ड्राइवर सीट को चेक कीजिए, सेकेंड सीट चेक कीजिए, फिर उसके बाद में जो पिछले वाला जो सीट है वो चेक कीजिए, डिक्की को चेक कीजिए, फिर उसके बाद नीचे से मिरर डाल के एक बार चेक कीजिए, ये सब चीज़ जो है प्रॉपर करवाए होना चाहिए। तो बड़े वगैरह गाड़ी वगैरह भी जो भी आता है हॉस्पिटल में तो क्या चीज़ के लिए आया, क्या है, नो एंट्री का टाइम भी रहता है कहीं के एरिया पे, वो भी प्रॉपर चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ जो है सिक्योरिटी जो है ध्यान रखना है। ट्रिप कंट्रोल, ट्रिप कंट्रोल पहले भी मैंने इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसमें भी बताया गया है, एक्सटर्नल में भी ट्रिप कंट्रोल है। जो बाहर का कुछ सामान जो है टामा का कुछ सामान हो सकता है, किसी क्वार्टर से कुछ सामान चोरी कर सकता है, तो इसका जो है पेट्रोलिंग में बताया गया है पूरा राउंडिंग करना है, उसको देखना है कहाँ पे क्या हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो है ट्रिप कंट्रोल भी क्या है एक्सटर्नल में भी आता है, एक्सटर्नल में भी आपकी मेडिकल में बाहर में जो भी सामान पड़ा है उसको क्या है अच्छी ढंग से रखना है, ताकि उसको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। हमारा जो भी गार्ड ड्यूटी करता है कहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर पे कहाँ पे क्या सामान पड़ा है, कहाँ पे क्या सामान चोरी हो सकता है, उसको प्रियोरिटी देख के ड्यूटी करना है। तो और भी बहुत कुछ है, मैं आपको एक एक चीज़ करके मैं आपको बताऊँगा हॉस्पिटल में क्या क्या ड्यूटी है, सेफ्टी कैसा लेना है और सिक्योरिटी कैसा करना है। तो इसके बारे में बहुत अच्छा सा मैं टॉपिक लेके आऊँगा, एक एक टॉपिक
जो बता रहा हूँ इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट की तरफ लेके जाऊंगा। पर्सन कंट्रोल क्या है, व्हीकल कंट्रोल क्या करना है, ट्रैफिक कंट्रोल क्या करना, एक एक चीज़ में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आप लोग को सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ हॉस्पिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक हॉस्पिटल के अंदर पे क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या काम है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या काम है, तो और एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पर्सन कंट्रोल है, क्राउड कंट्रोल है, मॉब कंट्रोल है, फ्रिस्किंग कंट्रोल है, सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल है, आपको इमरजेंसी है, कैजुअल्टी का है, आईसीयू एंड ओपीडी है, वार्ड कंट्रोल है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल गार्ड एंड स्टाफ, ट्रिप कंट्रोल है, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है, पार्किंग कंट्रोल करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, पेट्रोलिंग ड्यूटी जो है प्रॉपरली दिलाना है, व्हीकल कंट्रोल आपको जो भी गाड़ियां हैं इसको कैसे कंट्रोल करना है, ट्रिप कंट्रोल बाहर का जो भी चोरी है उसको रोकना है। तो इतना से ही है मेरा आज का। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया हूँ, और जो भी नया आया है बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा हर एक वीडियो जो है आप तक पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।